हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। देविका राना घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं खस्ता नमकीन, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पर इससे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। खस्ता नमकीन बनाने के लिए हमें लेना है 2 कप मैदा, ये लगभग 200 ग्राम है। आप कोई भी टी कप या छोटे इस तरह के स्टील बोल से मेजर करके 2 कप मैदा ले लें। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून नमक। मैदे में मोइन देने के लिए हम डालेंगे 1/2 कप रिफाइंड ऑयल, या हम राइस ब्रैन ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। रिफाइंड ऑयल की जगह आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद हम मैदे को इस तरह से हाथ में मुट्ठी बनाकर देखेंगे। और ये देखिए, इसमें मुट्ठी बनने लगी है, इसका मतलब इसमें मोइन बिल्कुल ठीक पड़ा है और हमें इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए इसे मार लेते हैं, जिसके लिए हमें लेना है 1/2 कप गुनगुना पानी। इसे थोड़ा थोड़ा मैदे में डालकर मारते जाएंगे और एक मीडियम डो बनाना है हमें। वो ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए। तो ये देखिए, डो हमारा रेडी हो चुका है, एकदम मीडियम हमने डो लगाया है। और इसे मारने के लिए लिया था हमने 1/2 कप पानी, जिसमें से 2 टीस्पून पानी बच गया है। अब हम इस डो को ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब इसे 1 मिनट के लिए और मार लेते हैं। नमकीन बनाने के लिए हमारा डो बिल्कुल रेडी है। अब इसे हाथों में लेकर इस तरह से पतला करेंगे और इसे नाइफ से 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फिर बनाएंगे 6 चपातियाँ, जिनकी हम एक के ऊपर एक रखकर लेयरिंग करेंगे। पर उन लेयरिंग के बीच में हम लगाएंगे एक क्रीमी मिक्सचर, जो हम घी और मैदे से बनाएंगे, तो वो पहले हम बना लेते हैं। तो इस मिक्सचर को बनाने के लिए हम एक छोटे स्टील बोल में लेंगे 2 टीस्पून मैदा और 4 टीस्पून घी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई भी लम्स ना रहे, इस तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है और इसे अलग रख देंगे। जिस तरह से आटे की लोइयों को गोल करते हैं चपातियां बनाने के लिए, वैसे ही हमें इन्हें गोल कर लेना है और इन्हें एक एक करके हम चपातियों की तरह बेल लेंगे। अब सरफेस पे लगाएंगे थोड़ा ऑयल और एक एक लोई लेकर इन्हें पतला बेल लेंगे। थोड़ा थोड़ा मैदा भी छिड़कते जाएंगे। पहली लोई को हमने बेल लिया है, इस तरह से इसे पतला रखना है। सभी लोइयों को इस तरह से बेल कर अलग रखते जाएं। सभी चपातियों को बेल लेने के बाद हम इनकी लेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले एक चपाती लें और उस पर इस तरह से घी और मैदे का मिक्सचर जो हमने बनाया था उसे लगाते जाएं। थोड़ा थोड़ा लगाएं। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मैदा इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे। आप चाहें तो हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से छन्नी में लेकर बहुत अच्छा स्प्रेड होता है। इसके बाद हम इसके ऊपर दूसरी चपाती रख देंगे। घी और मैदे के मिक्सचर को ऊपर से लगाएंगे और इसमें मैदा स्प्रिंकल करेंगे, जैसे हमने पहले परत में किया था। सेम इसी तरह से हमें सारी चपातियों को लगाते जाना है।
तो लेयरिंग हो चुकी है, अब रोलिंग पिन से एक बार इसे और बेल लेंगे, थोड़ा सा पतला कर लेंगे सभी चपातियों को एक साथ। सारी लेयर्स को हमने एक साथ बेल लिया है और हम इसके एक तरफ थोड़ा पानी लगाएंगे। अब ऊपर की तरफ से इसे रोल करना स्टार्ट करेंगे। अब हम इसे 1-1 इंच के पीसेस में कट कर लेंगे, पर ये जो एक्स्ट्रा मैदा है इसे निकाल देंगे। अब इसकी लेयर्स आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितनी सारी लेयर्स इसमें बनी हैं। अब हम इन पीसेस को ओवल शेप में बेल लेंगे और एक तरफ हम गैस पर तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। ये देखिए हमने इस तरह से बेल लिया है, सभी पीसेस को हमें इस तरह से बेल के रख लेना है। तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। पहले हम तेल को चेक करेंगे, तेल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। इसके लिए हम थोड़ा सा मैदा इसमें डाल के देखेंगे। ये इस तरह से फ्राई होकर ऊपर आने लगा है, इसका ये मतलब है कि तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम अपनी नमकीन की पूरियों को फ्राई कर लेंगे। नमकीन को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। इन्हें हमें एक तरफ से फ्राई करते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन्हें पलट कर दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। दूसरी तरफ से भी ये अच्छे क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये देखिए खस्ता नमकीन बिल्कुल बनकर तैयार है। कितनी ज़्यादा लेयर्स हैं इसमें और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो इस तरह से हमें सारी पूरियों को लो फ्लेम पर फ्राई करके निकाल लेना है। तो ये देखिए गर्मा गर्म खस्ता नमकीन बिल्कुल रेडी है। कितना क्रंची और खस्ता बना है ये। इसे गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें, बड़े हों या बच्चे, ये सभी को बहुत पसंद आएगा। ये नमकीन बहुत ज़्यादा क्रंची और टेस्टी है। एक बार ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसे किसी नए रेसिपी के साथ। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।